शिवाय। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष नौमी तिथि है। विशाखा नक्षत्र लगभग शाम 5 बजे तक लगा रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र कायम होगा जिसके स्वामी बुध देव हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों का 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी पड़ेगी। ऐसे जातक बुद्धिमान, तर्कशास्त्री, वैज्ञानिक रुचि रखने वाले, हाजिर जवाबी, स्पष्टवादी, गुस्सैल और तेज मिजाज वाले होते हैं। स्वाभिमान इनके अंदर भरा हुआ रहता है। मित्रों के सहयोगी होते हैं। यह बहुत भावुक होते हैं और स्नेह के भूखे होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक पूर्ण सफल होंगे। मेष राशि के लिए आज मेहनत करने की प्रवृत्ति सुबह से दोपहर तक सकारात्मक रूप से बनी रहेगी, मगर दोपहर के बाद थकान या स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों की वजह से कार्य ऊर्जा प्रभावित होगी। हालांकि आर्थिक सहयोग बना रहेगा। शाम के बाद मन में नकारात्मक विचारों का उतार चढ़ाव शुरू हो सकता है। संतान संबंधी चिंता और पारिवारिक तालमेल में कमी महसूस होगी। हनुमान जी की आराधना और ओम घृढ़ सूर्याय नमः का जप करने से राहत मिलेगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए आज दिन भर की मेहनत सार्थक होगी। पूरी ऊर्जा के साथ काम करने में मन लगेगा। हाँ, घुटनों में तकलीफ बढ़ सकती है। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में अचानक आर्थिक लाभ संभव है। दोपहर के बाद आपके रचनात्मक कार्यों में उत्साह की मात्रा बढ़ी हुई रहेगी। अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। भाग्यवश काम अच्छे होंगे। आपके लगभग सारे प्रयास सार्थक होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज दोपहर तक का समय थोड़ा संघर्ष भरा हुआ रहेगा। काम में रुकावट या प्रयास के बावजूद भी काम करने में दिक्कत महसूस होगी, मगर शाम के बाद आपके प्रयास सार्थक होंगे। काम करने में सहूलियत मिलेगी। विरोधियों से भी आर्थिक लाभ की संभावना बनती है। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित कामों में सहयोग बना रहेगा। यदि कोई मामला चल रहा है तो अधिकारियों के मध्य बैठकर निपटारा करने में लाभ मिलेगा। ज़्यादा तनाव ना रखें। रक्तचाप बढ़ने की आशंका बनी हुई है। सकारात्मक सोच रखते हुए रचनात्मक कार्यों को अंजाम दें। माँ दुर्गा की आराधना करें, हर्षित महसूस करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए आज दिन भर का समय भाग दौड़ और अतिरिक्त कार्यों को करने में गुजरेगा। आपकी सक्रियता और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। परिवार व संतान पक्ष से प्रसन्नता का अनुभव होगा। हर काम में मन लगेगा, लेकिन शाम के बाद घर परिवार में अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बन सकती है। अचानक यात्रा का योग संभावित है। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। सिंह राशि के लिए आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत होगी। शारीरिक व मानसिक रूप से तनावग्रस्त महसूस करेंगे। परिवार या गृहस्थी पर अतिरिक्त व्यय के कारण चिंता या तनाव का माहौल हो सकता है। रचनात्मक कार्यों के करने की दक्षता में कमी महसूस होगी। संतान संबंधी चिंता लगी रहेगी। कन्या राशि के लिए आज दिन भर का समय सहयोगी है। काम करने में मन लगेगा। रचनात्मक प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक सहयोग बना हुआ है। शाम के बाद व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में लाभ होगा। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी। शाम को मन आशंकित रहेगा। विरोधियों से असुरक्षा की भावना महसूस होगी। कार्य ऊर्जा में थोड़ी कमी महसूस कर सकते हैं। माँ दुर्गा की आराधना करें, अनुकूलता बनी रहेगी। तुला राशि वाले जातकों के लिए दिन भर के किए गए मेहनत का अतिरिक्त लाभ आपको मिलता जाएगा। आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा। काम करने में मन लगेगा।
नकारात्मक विचारों में कमी आएगी, मित्र बंधुओं से आर्थिक लाभ और सहयोग बना रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। यदि आपकी उम्र 40 से अधिक है तो स्वास्थ्य पर ध्यान देते रहें, विशेष तौर से महिलाओं को थायराइड होने की संभावना बनती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव वाला बना रहेगा। पूरे दिन सूर्यास्त तक का समय हर काम को सकारात्मक रूप से करने वाला होगा, लेकिन शाम के बाद चंद्रमा के ज्येष्ठा नक्षत्र में जाने के बाद मन में नकारात्मक विचारों का उठना चालू हो सकता है। अपने निर्णय लेने की क्षमता को भ्रमात्मक स्थिति में ना डालें, आपके प्रयास सार्थक होंगे। अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है, आर्थिक पक्ष सामान्य रहेगा, पूरे दिन काम का उतार चढ़ाव बना रहेगा। धनु राशि के लिए मेहनत करने की प्रवृत्ति मिसाल कायम करेगी, क्योंकि शनि केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं जो विजय पताका फहराएंगे ही। अपने मेहनत को सकारात्मक मोड़ देते हुए कार्य ऊर्जा में परिवर्तित करिए, आपके लाभ का द्वार खुला हुआ है। हर काम वाणी में मिठास लाकर करें, सामाजिक और व्यावहारिक पक्ष से अतिरिक्त लाभ मिलेगा। बुजुर्ग व अधिकारियों का सहयोग आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, नकारात्मक विचारधारा वाले लोगों से दूर रहें, आपके हर प्रयास सार्थक होंगे। मकर राशि के लिए आज दिन भर का समय उत्साहजनक बीतेगा, शाम को स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं, कुछ एलर्जी से संबंधित समस्याएं या त्वचा से संबंधित समस्याओं का अंदेशा बनता है। आर्थिक लाभ बना हुआ है, आपके मेहनत के अनुरूप व्यावसायिक उत्थान और आर्थिक उन्नति बनी रहेगी, शासन सत्ता या अधिकारियों से सम्मान मिलेगा, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। पत्नी के स्वास्थ्य में आज उतार चढ़ाव बना रह सकता है, ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें, अनुकूलता बनी रहेगी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज स्वास्थ्य संबंधी सुधार मिलेगा, सुबह से दोपहर तक का समय पूरी ऊर्जा के साथ लगे रहेंगे, रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे, शाम के बाद उत्साह में कमी महसूस होगी, वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित मामलों में सफलता मिल सकती है, आर्थिक पक्ष अनुकूल रहेगा, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। मीन राशि वाले जातक आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, जोड़ों से संबंधित या पेट से संबंधित समस्याएं पैदा हो सकती हैं, संतान व परिवार से संबंधित चिंता आज बनी रहेगी, कार्य ऊर्जा में नकारात्मक प्रभाव की वजह से उतार चढ़ाव बना रहेगा, काम रुक रुक कर होगा, आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा, शाम के बाद कुछ राहत मिलेगी और मानसिक शांति महसूस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।